इनका सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासरूम इतना एरिया थोड़ा सा ब्रॉड और कर दीजिए जितना रिलायंस फ्रेश का इतना एरिया, जहां पे अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं क्योंकि फूड एंड फूड रिलेटेड आइटम्स ही यूजुअली आप वहां पे पा रहे हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी वैरायटी को बदलना स्टार्ट कर दिया है, दैट मींस अब वो सुपरमार्केट से हाइपर मार्केट की तरफ अपने आप को टर्न कर रहे हैं। हाइपर मार्केट क्या हुआ? हाइपर मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन वहां पे आप जितने एक्सपेंसिव आइटम्स, डिजाइनर क्लोथ, योर ज्वेलरी और ये सब चीजें आप अगेन हाइपर मार्केट में नहीं पाएंगे। हाइपर मार्केट में फूड रिलेटेड और कुछ और जैसे कि होम डिजाइनिंग के कुछ मतलब आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट आप कह सकते हो, फूड भी था, होम डेकोरेशन, कॉस्मेटिक्स और कुछ और जुड़ी हुई चीज लाइक होम सेंटर्स। हाँ, मतलब जिसमें फूड और फूड के अलावा भी जो डे टू डे बेसिस की चीजें घर में हमें चाहिए वो भी हमें मिलगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हाइपर मार्केट। किसमें? बिग मार्ट। देखिए, हाँ, अब ये पॉइंट आया, फोर्थ पॉइंट लिखिए एक बार, ओनरशिप। आपका पॉइंट करूंगा मैं कंसिडर, फोर्थ पॉइंट लिखिए ओनरशिप। हाँ, नेक्स्ट और अल्टीमेट डिफरेंस का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ओनरशिप। डिपार्टमेंटल स्टोर आर नॉट यूजुअली कंट्रोल्ड बाय, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट चेन्स। दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट चेन्स, but supermarket are generally controlled by corporate chain.